स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आपके, जो आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं आपके पेपर में। तो पहला आपका, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम ए कॉपर वायर ए बी एज शोन इन फिगर 14.1 द वायर। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफ्लेक्ट ए मैग्नेट नीडल प्लेस हियर इट बिकम्स रेड हॉट गिव इलेक्ट्रिक शॉट बिहेव्स लाइक ए फ्यूज। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की, तो जब कोई करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया क्या, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या होता है, एक सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम करता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूज आर इंसर्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, ये ठीक है बच्चों। फिर देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक लिमिट होती है जो कि सेफली फ्लो कर सकता है करंट का, यानी एक मात्रा होती है जो कि सेफली फ्लो कर सकती है इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये भी आपका ठीक है बच्चों। फिर देयर इज मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, मिनिमम नहीं होती बच्चों, मैक्सिमम होती है। तो ये वाला हो गया आपका गलत। नीचे वाले पढ़ लेते हैं वैसे, इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड द सेम लिमिट, यानी कि अगर प्रॉपर सर्किट ब्रेकर आप यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो करंट ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, लिमिट से ऊपर होने पे टूट जाता है बच्चों, और जो सर्किट है उसे ब्रेक कर देता है। तो ये ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो आपका आंसर हो गया बच्चों सी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों आपका, थ्री बल्ब्स ए बी सी आर कनेक्टेड ऑन इन ए सर्किट एज शोन इन फिगर 14.2, यानी कि ये आपके फिगर दी हुई है, इसमें तीन आपके बल्ब ए बी सी कनेक्ट हुए हैं। फिर है व्हेन द स्विच इज ऑन, स्विच ऑन कब होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब स्विच ऑन होगा तो जो सारे बल्ब हैं वो एक साथ जलेंगे, क्योंकि सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। और स्विच कब ऑन होगा, जब ये पिन इससे जुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो एट द सेम टाइम बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है बच्चों आपका, व्हेन ए स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। तो स्विच जब ऑफ पोजीशन में होता है तब क्या होता है बच्चों, सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप एट द स्विच, गलत है ये वाला आपका। फिर सर्किट इज ओपन, तो सर्किट ओपन हो जाता है, ठीक है बच्चों ये वाला ठीक है आपका। नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है, नो करंट थ्रू फ्लोज, करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम, नहीं, एक बार अगर जो है स्विच ऑफ पोजीशन में आ गया तो सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपका दूसरा और तीसरा करेक्ट है, और आपका आंसर हो गया बच्चों बी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड नॉट टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एन इलेक्ट्रिक गैजेट अप्लायंस और सर्किट। तो वो क्या है, वी शुड नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन, ठीक है। वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और ए जनरेटर और ए इन्वर्टर, ये भी हमें नहीं करना है बच्चों। फिर इसके बाद है, वी शुड नेवर जस्ट यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ ए मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज, ठीक है। वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन, तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला वीडियो होता है आपका कंप्लीट, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।